घर बैठे पेंसिल की पैकिंग करो और जमकर कमाई करो। आपका भी ऐसे कई विज्ञापनों से वास्ता पड़ता है। ग्वालियर में एक गरीब परिवार इन जालसाजों के झांसे में आया और ठगी का शिकार हो गया। कंपू इलाके के रहने वाले संतोष जाटव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें घर बैठे पेंसिल की पैकिंग करते हुए रुपए कमाने की बात बताई गई थी। अच्छी कमाई के लालच में संतोष ने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल लगा दिया। सामने से बात कर रहे ठग ने पहले तो जॉब कार्ड बनाने के नाम पर उससे 750 रुपये लिए और फिर ठग अलग अलग बहाने बनाकर लगातार रुपए लेता रहा। 13,000 रुपये बदमाशों के खाते में भेजने के बाद संतोष को शक हुआ कि वो ठगा जा रहा है। इसके बाद उसने थाने में शिकायत की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज किया, जाँच शुरू कर दी। कुछ दिन पहले ठगों ने महल गांव की रहने वाली राधा परिहार से 20,000 रुपये पेंसिल के कारोबार के नाम पर ही ठगे थे। एक बार फिर से इसी तरह ठगी का एक मामला सामने आया। गुड़ागुड़ी के नाके के रहने वाले व्यक्ति के साथ ये ठगी हो गया। वो बेरोजगार था और उनका ये ऑफर मिला था कि आप अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए, पेंसिल पैकिंग के जॉब के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दो और उसका रिटर्न मिल जाएगा। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, 15,000 कुछ इन्वेस्ट किया, बट उनको कोई रिटर्न नहीं मिला। उनके आवेदन पे क्राइम ब्रांच थाने में FIR दर्ज हुआ।